चिड़िया चहचहा रही हैं, ट्रेन की आवाज़ें आ रही हैं, ना पोल्यूशन है ना कुछ है। डैम मैन। हे एवरीवन, माय नेम इज रोगन, वेलकम बैक। एक सेकंड, अब एकदम सही है यार। हे एवरीवन, माय नेम इज रोगन, वेलकम बैक टू द चैनल आई ध्रुव बी यू क्रिएट न्यू। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एकदम ही ज़्यादा अलग। बहुत हो गया घर में बैठे हुए, बहुत रिव्यूज़ वीडियो हो गई, बहुत इधर उधर की बातें हो गई। आज तो बाहर जाऊँगा और आप सबको लेके चलूँगा अपने साथ बाहर, दिखाऊँगा भाई दिल्ली के क्या हाल चल रहे हैं। और मतलब मेरे को बाहर जाना है यार, फाइनली। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो देखो यार, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। नंबर्स बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ऑब्वियसली मैं इस चीज़ में काफ़ी पहले से बिलीव कर रहा हूँ। अगर आपको देख कर ये समझ आ रहा है कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है तो स्टे ट्यून्ड वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो निकालते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को सेटअप करने में ना हालत ख़राब हो जाती है भाई। दिल्ली में जो है ना बहुत ही धड़धड़ बारिश हो रही है, कल भी इतनी बारिश हुई थी, आज भी बारिश होती है। Hey Google, what's the weather today in Delhi? It's 33 degrees and mostly cloudy in Delhi. तो मतलब बाहर जाएंगे ऐश पूरी। लेकिन जाने से पहले कुछ जरूरी चीज है, बाय चांस बारिश आ गई तो कंघी वंगी कर ली अब। हाँ तो भी यार बैग वैग निकाल दी। अगर आपने इस बैग की वीडियो नहीं देखी, वैसे देख ली होगी अगर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर फिर भी नहीं देखी ना, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने इस बैग के बारे में और उसके अंदर गिव अवे की भी डिटेल्स है जो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर रन कर रहा है। गिव अवे के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ एक लेंस मग। आपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के ऊपर देखा होगा ऐसा लेंस मग, और जाके अभी के अभी गिव अवे के रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, हर कोई जीत सकता है। मेरे फॉलोअर्स कम है तो ऑब्वियसली विनिंग चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा है। अभी के अभी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो यहाँ पे जाके। वेलकम टू द राइड। हाय, इतने दिनों बाद बाहर निकला हूँ यार, क्या भाई साहब मज़ा आ गया, क्या हवा लग रही है। अगर आपको थोड़ी सी भी हवा की और उसकी आवाज़ आ रही होगी, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, विंड नॉइज़ अगर थोड़ा सा माफ़ कर देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉग ट्राई कर रहा हूँ, इसे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आती रहेगी। सर्विस सेंटर में जाके मुझे करवाने हैं तीन काम, इसके तीन काम में अंदर से क्या होगा, एक तो होगा इसका ऑयल चेंज, दूसरा स्पार्क प्लग, एंड तीसरा इसकी होगी जो कार्ब्यूरेटर ट्यूनिंग होती है अंदर की। मतलब जो सुबह कहते हैं लोग कि गाड़ी मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता, कि हाँ अगर तुमने कार्ब्यूरेटर ट्यून करवा लिया अपना किसी एक्सपर्ट से, वहाँ पर ऐसे भी होते हैं कि इनको कुछ ज़्यादा आता नहीं अच्छे से, लेकिन किसी एक्सपर्ट से करवा लिया तो भैया काम से हो जाएगा। दिस माय फर्स्ट मोटो व्लॉग अटेम्प्ट यार, मज़ा आता है वैसे, इतना तो बोलते मैं भी जाता हूँ यार अपने साथ। इस ब्लू वाली बस का जस ओए गरम 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 हवा, गरम हवा आज चल गए भाई, आज चल गए इंसान हाथ भूल जाए अपना। ये डीडी मोटर्स गया इधर से, अब आएगा टोयोटा का शोरूम, टोयोटा के शोरूम से अंदर होना है तो यार रास्ता ही भूल गया भाई साहब। सारे बैंकवेट अब खाली पड़े रहेंगे यार, कोई मतलब ही नहीं रह गया बैंकवेट का अब भाई। अभी पहुँच गया सर्विस सेंटर, मेरे ख्याल अंदर हो रहा होगा काम, शटर डाउन वाउन कर रखे हैं पूरे के पूरे। चलो भाई इसको ना करवाने के बाद मिलता हूँ आपको। भाई हो गया यहाँ पे सारा का सारा काम, एक नंबर काम करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, कुछ भी करवा लो स्टाफ बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखो तो BS6 के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लगे, जैसे आगे का ये बूट बढ़िया कर दिया, आगे चार्जिंग सॉकेट दे दिया, डिक्की के अंदर भी डिक्की की जो बैटरी वाला स्पेस था ना अभी, यहाँ पर डिक्की पूरी लंबी कर दी है काफ़ी सारा। ये ग्लॉस ब्लैक में दी है, इस बार ट्रांसपेरेंट आती थी पहले। चलो भाई यहाँ से तो अपना काम हो गया पूरा का पूरा यार। एनटॉक बहुत बढ़िया लगती है यार, क्या स्कूटी है यार एनटॉक यार। यहाँ तो क्या ही देखोगे, यहाँ से निकल के सीधा आपको मिलता हूँ मेन रोड पे।
ट्रैफिक लाइट ऑफ, क्या रहा मूर्ति, यू कैन सी द व्यू यार। तो ये तो जगह तुम आए ही होगे। I wish I could go inside, man. I wish I could go inside. Can you spot that thing? Oh my God! Delhi के अंदर इतना pollution होता था ना, और जब भी आप आइसक्रीम खरीदते हो उसको धो के कभी ना खाएं, बिना धोए खाएं, ताकि उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो आपको मिलता रहे। ग्रुप बना के बैठे हैं भाई, फिर कह रहे हैं देश की सरकार कुछ करती नहीं है। और 5 महीने बाद वो भी ऐसा व्यू किसको देखने को मिल जाए ना, पर एक बार बाहर आकर देखोगे। मैं आपको बाहर आने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं मतलब बहुत जब ज़रूरी काम है तभी बाहर, लेकिन अगर बाहर आ रहे हो तो पूरी सेफ्टी के साथ आओ। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, दिल्ली का जो बेस्ट साइकिलिंग ट्रैक है ना, वो वहाँ राष्ट्रपति भवन से लेकर सीधा आते हुए यहाँ तक पहुँचता है जो इंडिया गेट पड़ता है। अब पूछ लेता हूँ यार, बोटिंग चालू है या नहीं। अंकल बोटिंग वगैरह चालू है? बंद है। जामुन का पेड़ है यार, एक गुच्छा हाथ लग जाए। आपको ना एक बार लेक पास से दिखा देता हूँ, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मन कर रहा है हेलमेट और मास्क उतार के ना बस कूद जाऊँ पानी के अंदर। अभी पेड़ की कटाई वटाई चल रही है, यहाँ से देख लो ये बोट्स होती हैं पेडल वाली, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, कुछ होगा 2-3 फुट का पानी होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बोट चलाओ पेडल करते करते। आई मिस दोस डेज कि हाँ मैं बाहर घूम रहा हूँ तो मैं कोरोना फैला रहा हूँ। नहीं भाई, मैं मास्क पहन के सैनिटाइजर लेके, देखो सैनिटाइजर दिखाओ, ये देखो मास्क पहन के सैनिटाइजर लेकर पूरे हाइजीन के साथ बाहर घूम रहा हूँ। ओह माय गॉड, बस शांति फील कर सकते हो यार, कितना शांत लगता है। चिड़िया चहचहा रही है, ट्रेन की आवाज़ें आ रही हैं, ना पोल्यूशन है ना कुछ। मेरी शक्ल इस समय देखोगे ना, मुर्गा सा बना पड़ा है मेरा एकदम, बाल पीछे को, हेलमेट टाइट, मास्क सर पे, कपड़ा। हाँ तो भाई मैं आ गया हूँ इंडिया गेट पर, लेकिन यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा शांति है मैं क्या बताऊँ। मास्क उतार लेता हूँ, देखो आसपास ना थोड़े लोग खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा इधर आकर भाई साहब दम घुट जाता है, मैं क्या बताऊं भाई। आपको पता ही है शर्ट क्यों पहनी हुई है, मान लो बारिश वारिश आ गई तो देखते हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने का प्लान नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ से अभी मैं सीधा जाऊँगा कनॉट प्लेस साइड और फिर वहाँ से जाऊँगा घर अपने। पर लिया अगर यहाँ पे पुलिस वाले आ गए की बात चलाने, 500 रुपये का चलाने सीधा, अगर मास्क नहीं लगाया तो। इसमें फटाफट से ना मास्क वगैरह लगा देता हूँ, इतने मिलवा देता हूँ इन लोगों से जो यहाँ पर ब्लॉग शूट कर रहे थे, और इनको क्या क्या मतलब ये कहाँ से आए हैं, कैसी दिक्कतें हुई है, तो उसको हर बार ना बनाने चाहिए। क्या नाम है चैनल नेम बताओ? फ्लाइंग मेडिक। भी बात करो, हमेशा क्या करना है? मास्क लगा के रखना है। बिल्कुल मास्क लगा के रखना चाहिए, आपको भी मास्क लगा के रखो बिल्कुल। मैं तो उत्तम नगर से आया हूँ। किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने आए हो? मैं तो ये ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाता हूँ, अभी लॉकडाउन की वजह से कहीं जाना है जा नहीं पा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ अभी दिल्ली के अंदर शूट कर लूँ। तो भाई मास्क मैंने भी लगा लिया, क्योंकि आया हूँ बात करें तो मास्क लगाया, बीच में खड़ा हुआ था तो मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको भी है अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो मास्क और सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र भी मैंने आपको स्कूटी के डिक्के के अंदर दिखाया है, सैनिटाइज़र लेकर चलना और साथ ही साथ मास्क तो बेटा पहन लेना, इसको तो कपड़े की तरह पहन लो जैसे पहनते हो ना कुछ। Audi, I love this car man. Audi A6 35 TDI. The best car in segment man. The best car in segment. दीदी पागल हो क्या? ओ बाबा जी रुक जा, ये तो हवा में उड़ाएगा आज ऑल्टो पूरी की पूरी। ओ ओ नहीं यार, गाने नहीं गाने, ये गंदी आदत है गाने गाने की। यहाँ से पता है कितने सारे सीन कट कर चुका हूँ मैं अभी तक यहाँ तक। हाय मेरी दिल्ली की जान, तो कैनॉट हो गया बिल्कुल ही, कैनॉट प्लेस है वैसे, आना ही नहीं भैया। भीड़ तो मुझे दिख रही है यार यहाँ पे। ओए होए होए सर, एकदम हीरो लग रहे हो, एकदम बढ़िया, ये बिना मास्क लगाए एकदम। सब बंद है यार, इतने बड़े बड़े मैकडी वगैरह सब डाउन है। दो दो गज, दो दो गज, लाइन से पहले, लाइन से पहले, लाइन से पहले। ओए यस भाई, एक बार अंदर का व्यू ले लें यार कैनॉट प्लेस का, कैसा है? क्या बात है, क्या बात है, बिना टिकटॉक के
कितना साफ लगता है हमारा कैनॉट प्लेस, देखो तो रौनक ही रौनक, वरना यहाँ ट्राईपॉड लेके खड़े होते थे, वहाँ ट्राईपॉड लेके। अब ऐसी बात नहीं है यूट्यूब के ऊपर, अब कुछ अच्छा बनाओ यार, तुम बना रहे हो तो। अब मन करता है कैमरा ऑन करने का कि भाई साहब जहाँ बैरिकेडिंग लगी है वहाँ कैमरा ऑन कर दो, थंबनेल आ जाएगा, बस बात खत्म। यहाँ से आ जाती है हमारी पालिका बाजार, आ जाता है पूरा नीचे अंडरग्राउंड मार्केट ऑफ दिल्ली, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, काफ़ी हॉट टॉपिक है। चलो एग्जिट मारते हैं, अब क्या है यहाँ पे, सब खुला ही तो हुआ है, कोई कहानी नहीं बची। मतलब मैं ओनली कैनॉट प्लेस एक्सपीरियंस वॉज काके द ढाबा, काके द होटल। यार वहाँ मैं वेजिटेरियन हूँ, द वेजिटेरियंस लव दाल मखनी एंड बटर नान, और वहाँ से अच्छी दाल मखनी एंड बटर नान आपने कभी नहीं खाई होगी। अगर नेक्स्ट टाइम कभी मौका लगता है ना जाने का तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगा भाई साहब की होती कैसी है। लेट्स सी यार कब खुलेगा, कब सब नॉर्मल होगा यार। मतलब आई वॉन्ट टू लिव दोज डेज अगेन, मतलब आई जस्ट विश कि वो वापस आ जाए यार। ध्यान नहीं लगते लोग यार, बिल्कुल मास्क उतार के मस्त घूम रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कहते हैं यार कि कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते, सरकार दवाई नहीं बना रही, सब उसके हाथ में दे दिया, खुद तो कुछ कर लो, ट्यूशन पढ़ने के बाद खुद को तो पढ़ना होता है। क्या कर रहे बाबा, साइड से जाएंगे आज। अभी मैं हूँ यहाँ के गोल्ड डाक खाने के पास, कैनॉट प्लेस दिल्ली, यहाँ से जाएंगे अब सीधा घर। जो यहाँ पे काम करने आया था मैं गोल्ड डाक खाने के पास, वो हो गया ख़त्म, अब चलते हैं सीधा घर यहाँ से। अरे इतने सारे टायर का क्या करोगे चचा, एक टायर हमें भी दे दो। ये बालाजी मंदिर है दिल्ली का, बहुत सुंदर है यार। अंधेरा हो गया यार, बारिश हो जाना यार, एक बारिश होने के लिए कह रहा हूँ मैं। अगर आज का ये जो ब्लॉग है, छोटा सा मोटो ब्लॉग जिसे कह सकता हूँ, अगर आपको ऐसे और ज़्यादा फन ब्लॉग्स चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल बता देना कमेंट करके अच्छे से। जैसे ये जो स्पीड कैमरा है, ये स्पीड कैमरा आते ही मैं अपनी नंबर प्लेट पे आगे हाथ रख लूँगा, जिससे मेरी स्पीड कैप्चर ही नहीं होगी। ट्रैफिक कैसे हो सकता है यार इतना सारा। I'm finally home. Seeing a motovlog and doing a motovlog makes a hell lot of difference. If you're watching till here, thank you so much for watching. Thank you so much अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। वीडियो देख कर वीडियो को लाइक करना, मोटिवेशन मिलती है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है छोटी छोटी। मैं चाहता था कि ना यार इस वीडियो को ना आप एक्सपीरियंस करो मेरे साथ साथ। अगर सोचो कि जैसे मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ तो फिर आप मेरे साथ जा पाओ, इसलिए मैंने वो वाला सेटअप किया। बहुत डिफिकल्ट है मास्क पहन के, बिल्कुल भी मास्क लगा कर तो बिल्कुल सांस नहीं ली जाती, उम्मीद ही छोड़ दो कि कोई सांस लेने लायक भी होता है मास्क लगाने के बाद। थैंक यू सो मच। बी यू, क्रिएट न्यू, बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक, बी पॉजिटिव। आई मे बी साउंडिंग टायरिंग, मेरी आवाज़ खराब लग रही है क्योंकि इतने दिनों बाद इतना ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है बॉडी को। एक्सपोजर मतलब वो थोड़ा बाहर जाना, थोड़ा धूप में आना, बारिश हवा, मज़ा आ गया अच्छे दिन यार।